और खाना भी दे रहे तो बोलते कसम खाइए कि आपको तो खाना मिला है क्या नहीं मिला है, खाना कसम खिला खिला के देते क्या, अरे देना है तो घर में लाके दो, मतलब कसम खिलाया जा रहा है आपको खाना, कसम खाओ कि तुम लोग को खाना मिला। उसके बाद एक दिन आया बस खत्म, कल भी आया था ना तो बोल रहे थे खाना तुम लोग खाए हो, तो हम लोग बोले हाँ हम लोग खाए, खाना नहीं बना था तभी बोल दिए कि हाँ हम लोग खाए। दोस्तों इस्तकबाल है नजरिया न्यूज में, और जिस तरह से लॉकडाउन की मार गरीब तबके पर सबसे ज्यादा पड़ रही है, एक इलाका है कौसा में देवरी पाड़ा गांव, वहाँ पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं। यहाँ पर कई गरीब परिवार हैं, यहाँ पर पीछे पूरी झोपड़ों की आबादी है, पतरे के घरों में रहते हैं लोग ज़्यादातर। यहाँ पर पर्चियाँ बनाई गई हैं प्रशासन की तरफ से, सब्र कर रहे हैं लोग, लेकिन 2 से 4 दिन हो गए यहाँ पे खाने पीने की सुविधा बराबर से नहीं पहुँची। आखिरी बार कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले यहाँ पे खाना आया था, खाना नहीं आया था ये नहीं कह रहे हम, कह रहे हैं कि 2 दिन पहले आया था, और इस वक्त लोगों को बहुत ज़रूरत है यहाँ पे खाने की, क्योंकि ये लोग कोई भीख मांगने वाले लोग नहीं है, ये लोग मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, जिनके घरों की रोज़ी इस वक्त बंद हो चुकी है, और इनके घर में इनके मासूम बच्चे हैं, और शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला इन लोगों के लिए वही है कि इनके छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। और प्रशासन से यही अपील है कि लॉकडाउन तो आपने करवा दिया, लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं लोग, अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन मेहरबानी करके इन लोगों की तरफ आप ध्यान दीजिए। ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि एक ये पूरी बस्ती आज उतर आई है, हम जब पूछा तो ये सारे लोग घरों से निकल आए हैं। ये आप लोगों को अपील करना चाहते हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग खातून मौजूद है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, कुछ नहीं आ रहा, चावल नहीं देते, खाना एक दिन दिए, दूसरे दिन चाय के लिए तो दूध चाय की पत्ती दिए, बस खत्म। आज तो कोई चीज नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। आखिरी बार कब आया था? कुछ भी नहीं आया, आखिरी बार परसों के दिन आया, तीसरा दिन परसों के दिन आया था। कुछ कुछ घरों में कुछ कुछ के खाना देते हैं, कुछ कुछ मिला है, गिने चुने दो घरों में, बाकी किसी को नहीं मिला। तो आप लोगों ने कुछ किसी से कांटेक्ट नहीं किया अभी तक? कहाँ के हैं, किसको के लिए जा रहे हैं, पर कोई सुविधा दे नहीं, मतलब क्या नाम वगैरह लेकर जा रहे हैं? लेकिन अभी तक कुछ पहुँचा नहीं, अभी तक के कुछ तो जाओ घर पहुँचो तो नहीं, आप लोग घर पे जाओ बोले राशन तुम्हारे घर में रहो, घर पे ला के दे। कौन लोग आ रहे हैं, मतलब कौन लोग, किसी का नाम बोल, तुम क्या घर में तुम्हारे पीछे आ रहे हो, कोई आता नहीं है, बोल के जाते बस, और खाना भी दे रहे तो बोलते कसम खाइए कि आपको तो खाना मिला है क्या नहीं मिला है, खाना कसम खिला खिला के देते क्या, अरे देना है तो घर में लाके दो, मतलब कसम खिलाया जा रहा है आपको खाना, खिला रहे कसम खाओ कि तुम लोग को खाना मिला। उसके बाद एक दिन आया बस खत्म, कल भी आया था ना तो बोल रहे थे खाना तुम लोग खाए हो, तो हम लोग बोले हाँ हम लोग खाए, खाना नहीं बना था तभी बोल दिए कि हाँ हम लोग खाए थे, चले गए लेके खाना नहीं दिए, राशन आदमी अपने लेके आए थे तो ये हर बैठ के चलेगा ऊपर, इधर नहीं लेके छोटे एक मिनट, कहा जा रहा है कि कुछ बेवा औरतें भी है यहाँ पर जो हम लोग सुना तो बोलते बेवा कहाँ है, बेवा कहाँ से आई भाई, सब गरीब सबकी जरूरत है, हमारे अपने रोज लाएंगे तो रोज खाने वाले, बैंक बैलेंस वगैरह हम लोग के पास आए ना, तो जिस तरह से यहाँ पर एक ये सवाल पैदा हो रखे, इन लोगों को एक शिकायत है कि कसम खिलाई जा रही है खाना देने से पहले कि कसम खाइए आपको खाना मिला है नहीं, तो ये ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी एनजीओस इनकी मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी लीडर इनकी मदद कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं आप लोग, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर किसी को खाना दे रहे हैं तो उनके साथ ये शर्त मत लगाइए कि आप कसम देकर या दूसरे तरीके से। और एक तरफ मैं चाहता हूं कि उन मुखय्यर हजरात जो मुमरा में इस वक्त मौजूद हैं, जो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से गरीबों की मदद हो, तो मैं किसी नेता या किसी पार्टी के भरोसे तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा उन मुखय्यर एनजीओस को, उन बड़े लोगों को जो मुमरा में बंद मुट्ठी मदद कर रहे हैं लोगों की, आपको इस तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि अब भी ऐसे कई इलाके मौजूद हैं जहाँ पर मेहनत मजदूरी करके काम करने वाले लोग हैं, कोई रिक्शा खींचता है, कोई मजदूरी करता है, कोई सब्जी का ठेला लगाता था, आज पूरी तरह से ठप हो चुका है उनका कारोबार। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग इनकी तरफ ध्यान दीजिए, बार बार हम आप लोगों से यही अपील करते हैं। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कुछ जो हमारे भाई है, वो भी कुछ कहेंगे, क्या बोलेंगे भाई आप, कैसा हालचाल, क्या शिकायत है आपको? हम तो बोलेंगे कि सबको देना चाहिए, सब पतरे वाला रूम में तो सब गरीब आदमी रहता है, कोई तो अमीर है नहीं यहाँ, किसी को अभी तक तो हमको मिला नहीं है, कोई बोल रहा है आधार कार्ड दो, पिन कार्ड दो, लिख के लेके जा रहे हैं, अभी तक दिए नहीं, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी ले जा रहे हैं, लिख बोल रहे के लिख के दो, क्या लिख कर देने को ले कहा जा रहे हैं, मतलब नंबर दो आधार कार्ड का,
आधार कार्ड का नंबर भी मांगा जा रहा है, मतलब बोलते हैं राशन मिलेगा इसे आधार कार्ड से, आधार कार्ड से राशन मिलेगा। खाना कोई लेकर आ रहा है तो बोल रहा है कि कसम खाओ, खाए कि नहीं खाए, तो वो खाना से हमको क्या मतलब है, कसम खिला रहे माँ को बाप को, खाने से वो मतलब हमको क्या है। तो ये शिकायतें हैं गरीब लोगों की, और जो और उमरा में हर जगह यही शिकायत है, बहुत जगह से ये शिकायतें आ रही हैं गरीब इलाकों से कि सामान भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, तो कुछ मखसूस किस्म के लोगों को मिल रहा है। तो उन सभी खाना बांटने वाले से अपील है कि आप इसमें भेदभाव ना बरतें, और उन एनजीओस को अब भी सलाम है जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मफाद के मेहनत कर रहे हैं, और इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत बहुत ज़रूरत है। कैमरामैन आदिल के साथ नजर इंडिया न्यूज़।